तो बोन्स ऑफ लिम्स देखते हैं सबसे पहले। ईच लिम्ब इज मेड ऑफ 30 बोन्स, प्रत्येक जो लिम्ब है उसके अंदर 30 बोन्स होती हैं। सबसे पहले हैंड के अंदर देखते हैं हम फोर लिम्ब जिसको बोलते हैं। एक हाथ में एक ह्यूमरस बोन होती है जो कि बाजू में प्रेजेंट होती है। उसके बाद रेडियस एंड अल्ना, ये बाजू से आगे जो कोनी से आगे वाला जो पोर्शन होता है, रेडियस अल्ना, दो हड्डियाँ होती हैं ये एक हाथ में। उसके बाद कार्पल आ जाती हैं जिसको रिस्ट बोन, जो कलाई के अंदर हड्डियाँ होती हैं 8, फ्यूज्ड होती हैं ये। मेटाकार्पल्स पाम बोन बोलते हैं जो कि हथेड़ी बनाती है हमारी, मेटाकार्पल्स 5 होती हैं नंबर में। और उसके बाद फेलेंजीज जो कि डिजिट्स बोलते हैं जिसको, ये 14 होती हैं नंबर में जब हम काउंटिंग वगैरह करते हैं। वैसे काउंटिंग मेन तो 5 करते हैं, लेकिन एक एक जो पार्ट बने हुए हैं उंगली के अंदर और थंब के अंदर 2 बने हुए हैं, प्रत्येक उंगली में 3 3 बने हुए हैं, तो टोटल 14 बोन्स वो होती हैं, फेलेंजीज बोलते हैं उनको। तो यदि यहाँ पे काउंटिंग करें, एक ह्यूमरस बोन है, एक रेडियस, एक अल्ना, 3 तो ये होगी, 3 और 8 11, 11 और 5 16, और 16 और 14 30 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। इसी प्रकार से लेग जो हाइंड लिम है उसके अंदर भी 30 बोन होती हैं, जिसमें एक फीमर बोन होती है जिसको थाई बोन बोलते हैं, जहाँ की हड्डी सबसे सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है ये। उसके बाद पटेला जिसको नी कैप बोलते हैं, घुटने का जो आगे वाला पोर्शन होता है, एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर, तो उसको पटेला बोन बोलते हैं। टीबिया फेबुला, जैसे यहाँ पे रेडियस अल्ना थी तो यहाँ पे टीबिया फेबुला होते हैं, 2 बोन्स होती हैं। टार्सल्स 7 होती हैं, जैसे यहाँ पे कार्पल होती हैं यहाँ पे टार्सल होती हैं। यहाँ पे 8 थी, यहाँ पे 7 है। 7 क्यों है? क्योंकि एक बोन वहाँ पे एक्स्ट्रा यूज में हो गई है, पटेला बोन है वहाँ पे आ गई है वो, इसलिए यहाँ पे 7 बोन्स रह जाती हैं। उसके बाद मेटाटार्सल्स, ये हमारे पंजे के अंदर जो हड्डियाँ होती हैं, ये एडी के अंदर होती है, ये पंजे के अंदर होती है, एडी जो पाँव का पंजा होता है। उसके बाद फेलेंजेज, फेलेंजेज ऐसे ही 14 होती हैं जैसे हाथ में होती हैं। तो इस तरीके से 30 बोन्स एक पाँव में, 30 दूसरे पाँव में, 60 तो पाँव में होगी, और इसी प्रकार से एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में भी 30, तो 60 वहाँ पे होगी। 60 प्लस 60 कितनी हो जाती हैं? 120 बोन्स लिम्स में प्रेजेंट होती हैं। तो कितनी काउंटिंग रहेगी? 120 प्लस में 80 तो 200 होगी, तो बच जाती हैं 6 बोन। और जो उससे पहले हम देखते हैं कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, जो हाथ है, हाथ में ही ह्यूमरस बोन होती है जो बाजू में होती है। उसके बाद कार्पल्स, कार्पल्स को गलत यहाँ पे बता रखा है, कार्पल्स कोनी में नहीं होती हैं, ये इस जगह पे कलाई वाले रीजन में होती हैं कार्पल्स। और उसके बाद रेडियस एंड अल्ना, तो जो रेडियस और अल्ना होती हैं वो हमारी जो कलाई से और जो कलाई और जो कोनी है उसके बीच में प्रेजेंट होती हैं। और उसके बाद जो कलाई है, कलाई के अंदर कार्पल्स होती हैं 8, और जो मेटाकार्पल्स क्या होती हैं, पाम हथेड़ी के अंदर होती हैं, और डिजिट्स जो फेलेंजीज बनाते हैं वो 14 बोन्स होती हैं। इसी प्रकार से जो लेग है, लेग में फीमर होती है, फीमर के आगे जो एक पटेला बोन होती है जो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। उसके बाद फीबिया टीबिया होती हैं, उसके बाद टार्सल्स होती हैं जो एडी में प्रेजेंट होती हैं, और फेलेंजीज, और बीच में मेटा टार्सल्स होती हैं जो कि जो पंजे, जो पाँव के पंजे हैं वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होती हैं ये। उसके बाद है जो 6 बोन है उनकी काउंटिंग और करते हैं अभी बची हुई होगी, वो होती हैं पेक्टोरल एंड पैरेविक गर्डल में प्रेजेंट। तो ये क्या होते हैं? हेल्प इन आर्टिकुलेशन ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स रिस्पेक्टिवली विद द एक्सियल स्केलेटन। तो ये जोड़ का काम करते हैं, जो हमारे हाथों को और पैरों को किसके साथ जोड़ते हैं? एक्सियल स्केलेटन के साथ जोड़ते हैं। ईच गर्डल इज फॉर्म्ड ऑफ 2 हाफ्स, प्रत्येक जो गर्डल है वो 2 आधे आधे भाग से बना होता है। पेक्टोरल गर्डल ये क्या करता है? कंसिस्ट ऑफ क्लेविकल एंड स्कैपुला। तो जो पेक्टोरल गर्डल है उसके अंदर 2 बोन पाई जाती हैं, क्लेविकल एंड स्कैपुला, और 2 होते हैं ये पेयर में होते हैं दोनों के दोनों, तो एक में 2 हैं तो दूसरे में भी 2 मिलेंगे, तो टोटल 4 बोन है वो पेक्टोरल गर्डल में प्रेजेंट होती हैं। तो स्कैपुला देखते हैं पहले क्या है। ए लार्ज ट्रैंगुलर बोन, फ्लैट बोन सिचुएटेड इन द डोर्सल पार्ट, बैक वाली साइड में जो अपर बैक होता है वहां पे एक ट्रैंगुलर बोन प्रेजेंट होती है जो हम बाहर से महसूस कर सकते हैं, तो वो थोरैक्स रीजन में प्रेजेंट होती है, डोर्सल रीजन होता है जो थोरैक्स का, बिटवीन द सेकंड एंड द सेवंथ वर्टिब्रा, जो सेकंड से लेके सेवंथ वर्टिब्रा तक या रिब्स तक वो फैली होती हैं। हैज ए स्लाइटली एलिवेटेड रिज, और इसी के अंदर एक थोड़ा सा उभार होता है जिसको स्पाइन बोलते हैं। विज प्रोजेक्ट्स एट एज ए फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस एक्रोमियन, एक्रोमियन जो कि प्रोजेक्ट एज का मतलब बाहर की तरफ एक चपटे भाग में, खुल भाग में एक्सटेंड होता है, और उसको एक्रोमियन बोलते हैं।
तो बोन एक ही है, इसके अलग अलग भाग को स्पाइन और एक्रोमियन बोला जाता है। उसके बाद है क्लेविकल, तो क्लेविकल क्या है, आर्टिकुलेट्स फोर लिम्स टू द एक्जियल स्केल्टन, तो क्लेविकल बोन, इसको कोलर बोन भी बोलते हैं, ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। तो क्या करता है ये, जो हमारे फोर लिम्स हैं उनको अटैच करता है एक्जियल स्केल्टन के साथ में। तो ग्लिनोइड कैविटी होती है एक बिलो द एक्रोमियन एज ए डिप्रेशन, इज ए डिप्रेशन विच आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ द ह्यूमरस बोन, जो ह्यूमरस बोन होती है उसके हेड जो रीजन होता है वो, जो डिप्रेशन के अंदर एक जो गड्ढा सा बना होता है इसके अंदर, जिसको ग्लिनोइड कैविटी बोलते हैं। तो ये क्या करती है, शोल्डर जॉइंट, जो कंधे का जॉइंट है वो बनाती है। ईच क्लेविकल इज लॉन्ग स्लेंडर बोन विद टू कर्वेचर, प्रत्येक जो क्लेविकल बोन है वो सिलेंडर का मतलब सिलेंड्रिकल शेप होती है इसकी, और टू कर्वेचर मतलब दो कर्व बने हुए हैं इसके अंदर, कॉमनली कॉल्ड कोलर बोन, इसको कोलर बोन भी बोलते हैं क्योंकि जो कोलर रीजन होता है, जो शर्ट का कोलर होता है वहीं पे ये प्रेजेंट होती है। उसके बाद पेल्वी गर्डल, तो कंसिस्ट ऑफ टू कोक्सल बोन, तो ये दो कोक्सल बोन प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे हम काउंटिंग कर सकते हैं, ऊपर चार बोन पड़ी थी, दो बोन यहाँ पे हो जाती हैं पेल्वी गर्डल में, और जो कोक्सल बोन है इनके अंदर थ्री बोन प्रेजेंट होती हैं जो कि फ्यूज्ड होती हैं, उनको अलग अलग नहीं पढ़ते हम, इलियम, इस्कियम और ये इस्कियम बोलते हैं या फिर प्यूबिस, जो तीन बोन्स प्रेजेंट होती हैं ये, और एक एसिडिबुलम होता है। एसिडिबुलम जैसे ऊपर हमने ग्लिनोइड कैविटी देखा था, ऐसे ये कैविटी बनी होती है, ये कैविटी एट ए पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ अबो बोन्स टू विच थाई बोन आर्टिकुलेट्स, जैसे ऊपर जो फीमर बोन है वो अटैच होती है, यहाँ ऊपर जो ह्यूमरस बोन अटैच हुई थी यहाँ पे फीमर बोन है इस कैविटी के अंदर आके अटैच होती है। टू हाफ्स ऑफ पेल्विक गर्डल मीट वेंट्रली टू फॉर्म प्यूबिक सिम्फाइसिस कंटेनिंग फाइबर्स कार्टिलेज, तो जो दोनों हाथ दे भाग होते हैं ये कोएक्सल बोन के, ये पेल्वी गर्डल के जो आधे हाफ होते हैं वो आगे आके वेंट्रल साइड में मतलब आगे वाले पोर्शन में आके वो प्यूबिस सिम्फिसिस रीजन में आके मिलते हैं, या फिर एक रीजन बनाते हैं प्यूबिस सिम्फिसिस, और जो आके मिलते हैं किसके द्वारा, फाइबरस कार्टिलेज के द्वारा। तो इनको पिक्चर ज्यादा क्लियरिटी आएगी। तो ये है हमारे जो पेक्टोरल गर्डल है उसका व्यू है, दो होते हैं, तो जैसे ग्लिनोइड कैविटी जहाँ पे जो फीमर बोन, ये जो ह्यूमरस बोन है वो आके अटैच होती है, जो एक ट्रेंगुलर बोन है इसको स्कैपुला बोलते हैं, और जो ये क्लेविकल बोन होती है कोलर बोन ये भी प्रेजेंट होती है यहाँ पे, तो ये पेक्टोरल गर्डल का काम करते हैं। उसके बाद है इसका 3D व्यू देख सकते हैं, ये क्लेविकल बोन है जो एक डंडी से निकली हुई है, दो कर्वेचर होते हैं इसके अंदर, मतलब दो, एक साइड में ये कर्व होता है, एक साइड दो कर्व बने होते हैं एक ही बोन में, दो जगह से मुड़ी होती है बोल सकते हैं। एक ट्रायंगुलर बोन है जो कि पीछे बैक वाली साइड में प्रेजेंट होती है, और इसी के अंदर एक ग्लिनोइड कैविटी होती है जो कि ह्यूमरस बोन को आके जोड़ती है। उसके बाद है पैल्वी गर्डल, और पैल्वी गर्डल के अलग अलग भाग होते हैं इलियम और इस्कियम एंड प्यूबिस, और इसी के अंदर एक जो एस्टाबुलम कैविटी होती है, ये वाला जो रीजन, ये वाली नहीं, ये वाला जो रीजन होता है एस्टिबुलम, इसी के साथ आके जो फीमर बोन है वो आके अटैच होती हैं, और जो पीछे वाला जो पोर्शन है ये हमने जो वर्टिब्रल कॉलम में पढ़ा था वो वाला रीजन है, ये जो सैरकम एंड कोकाइस या कोकिजियल बोन होती हैं वो वाला वर्टिब्रल कॉलम का हिस्सा है, लेकिन जो आगे वाला भाग है वो केवल। तो जैसे यहाँ पे 3D व्यू समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे कैविटी अभी अच्छे ढंग से देख सकते हैं हम, जो एक उभार सा बना हुआ है तो वर्टिब्रल कॉलम का भाग हो गया, और ये वाली जो एक जो डिप्रेशन बना हुआ है ये डिप्रेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटाबुलम, इसी के साथ आके फीमर बोन अटैच होती है, और जो दोनों हाफ होते हैं कोएक्सल बोन के वो आगे वाले रीजन में किसके द्वारा अटैच होते हैं, जो कार्टिलेज के द्वारा।